गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेरिवेशन किया था और उससे रिलेटेड उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और उसके क्वेश्चन आजकल एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। या सिंपल वर्ड में कहें कि टेम्परेचर का केसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको समझना। तो हम देखते हैं ये हमारा डेल्टा जी नॉट जो होता है वो बराबर होता है एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये जो एस नॉट लगा हुआ है कहीं पे भी अगर एस नॉट या नॉट लगा हो तो इसका मीन्स होता है कि रिएक्शन एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर भी नहीं 298 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही। तो डेल्टा जी में और नॉट में रिलेशन होता है, जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है, माइनस टी टेम्परेचर है और डेल्टा एस स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। अब हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि डेल्टा जी में और केसी में क्या रिलेशन होता है। तो जी नॉट बराबर होता है माइनस आर टी एलएन केसी। अगर इस जी नॉट की जगह या इस जी नॉट की जगह में ये वैल्यू पुट कर दूं तो ये है इक्वेशन नंबर वन और ये है इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन वन से जी की वैल्यू को इक्वेशन टू में पुट करने पर ये इक्वेशन हमको मिलेगी ऐसी, एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। इसमें हम इसका साइन चेंज करते हैं, जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो ये डेल एच नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारा फॉर्मूला, दिस इज इक्वेशन नंबर तीन। इस इक्वेशन नंबर तीन को अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो एल एन के सी बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट ऊपर आ जाएगा, डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाय आर टी। इस इक्वेशन नंबर चार को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं जिससे मैं इसका ग्राफ आसानी से खींच सकूं, माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आर टी, ये प्लस है तो टी डेल्टा एस डिवाइडेड बाय आर टी। टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा तो हमें इक्वेशन मिलेगी एल एन के सी इज इक्वल टू माइनस डेल एच नॉट डिवाइडेड बाय आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाय टी। इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, केसी डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाय टी, ये प्लस था ये माइनस है तो इधर आ जाएगा डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आर, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर फाइव। इक्वेशन नंबर फाइव को हम वाई एम एक्स सी से के साथ में कंपेयर करें। जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता लगा ये वाला पार्ट इंटरसेप्ट होगा, ये वाला पार्ट स्लोप के बराबर होगा और वन बाई टी और एल एन के सी में ग्राफ खींचा जाए। तो मैंने एक ग्राफ लिया और ये एल एन के सी को वाई एक्सिस पर ले लिया और एक्स एक्सिस पर वन बाई टी अज्यूम कर। अब अगर रिएक्शन और मैं ये ग्राफ खींचूंगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो जब मैं यहां पॉजिटिव रखूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव हो जाए, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ग्राफ कहीं जीरो के ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है तो स्लोप जो होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा और इस स्लोप की वैल्यू माइनस डेल एच नॉट डिवाइडेड बाय टी के इक्वल हो। लेकिन अगर मैं यही ग्राफ
एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्लॉट करूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने यहां पर एल एन के सी लिया, वन बाई टी लिया, तो ये ग्राफ एंडो के लिए है और ये वाला ग्राफ एक्सोथर्मिक के लिए। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उसमें डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो जब मैं यहाँ नेगेटिव साइन रखूंगा तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर प्लस हो जाएगा, तो जो इक्वेशन नंबर 5 है वो हमारी हो जाएगी एल एन के सी इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाय टी। हमने यहां पर एक गलती कर दी है, ये टी नहीं एस आर हो, तो जो इस इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो है ये, तो ये वाला पार्ट इंटरसेप्ट है और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आरटी। तो मैंने इसमें से वन बाई टी तो यहां ले लिया, इंटरसेप्ट देखो पॉजिटिव है तो कहीं ऊपर से ग्राफ होगा जीरो के ऊपर से। अब स्लोप कैसा है, स्लोप है पॉजिटिव, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए स्लोप पॉजिटिव आएगा, ये पार्ट होगा डेल्टा एस नॉट बाई आर और स्लोप की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव डेल्टा एच नॉट बाई आर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम एल एन के सी में और वन बाई टी में ग्राफ खींचते हैं तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में स्लोप की वैल्यू माइनस डेल्टा एच नॉट टी के बराबर होगी और माइनस में हो। तो हम देखते हैं यहां से एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगर इस इक्वेशन को, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 5 को मैं दो बार यूज करूं, ठीक है ना, दो बार यूज करूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, दो बार यूज करूं, तो ध्यान से देखना एल एन के वन इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट आर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डेल्टा एच आर टी, और ये है टी वन, मतलब टी वन टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के वन, लेकिन टी टू टेम्परेचर पर ये इक्वेशन ऐसी होगी डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आर टी टू। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं या फर्स्ट में से सेकंड को करूं, तो अगर मैंने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी एल एन के वन बाय के टू। के वन और के टू यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट से आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आर, और टी टू में से टी वन को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा हो जाएगा वन बाई टी टू माइनस वन बाई टी वन। ये हमारी इक्वेशन बनेगी, पर इसको हम कहते हैं वॉन्ट हाफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कहते हैं वॉन्ट हाफ इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पर कैसा क्वेश्चन आजकल आता है। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसा होता है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू वॉन्ट हाफ इक्वेशन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्लॉट ऑफ के इक्विलिब्रियम या एल एन के सी वर्सेस वन बाई टी। तो अभी अभी हमने ग्राफ खींचा था, इसमें खींचा था एल एन के सी में और वन बाई टी, पॉजिटिव इंटरसेप्ट था जिसकी वैल्यू एस नॉट बाई आर थी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए
अब उसने अलग अलग दे रखे, तो चाहे एक्सो हो चाहे एंडो हो, दोनों के लिए इंटरसेप्ट सेम है। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई तो स्लोप पॉजिटिव आएगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई तो स्लोप नेगेटिव आएगा। तो ये तो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये वैल्यू हो जाएगी स्लोप की इतनी, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए स्लोप की वैल्यू होगी इतनी और ये माइनस। तो आप देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्लोप में एसआर कभी आता ही नहीं, तो फर्स्ट रॉन्ग। बी, एंडोथर्मिक रिएक्शन का स्लोप, एंडोथर्मिक रिएक्शन का स्लोप नेगेटिव है तो सही हो जाएगा। थर्ड, स्लोप में कभी एस आता ही नहीं, ये तो इंटरसेप्ट है, और एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है। तो ये वाला एक्सो का, ये एंडो का, इसलिए इस चॉइस का सही आंसर बी हो जाएगा। बी कौन सा? ये तो हमने इस क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी, डेल्टा एस और टेम्परेचर से रिलेशन पढ़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,